आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग एक का कक्षा छः पाठ पाँच अक्षरों का महत्व। बच्चों अक्षरों के महत्व के लेखक गुणाकार मूले जी, इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1935। स्थान महाराष्ट्र के अमरावती जिला में हुआ था और प्रमुख कृतियाँ इनकी थी आकाश दर्शन, कंप्यूटर क्या है। इनको सम्मान भी मिला, आंतरिक यात्रा सम्मान पुरस्कार मिला, साहित्यिक सम्मान पुरस्कार मिला, आत्मानंद पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। बच्चों इस पाठ का माइंड मैप इस प्रकार है, काल काल अनादिकाल, दूसरा है प्रगतिहासिक काल, वर्ण लिपि ध्वनि चित्र वर्णन नए शब्द भाषा और विशेषण। अनादिकाल, अनादिकाल उस काल को कहते हैं बच्चों जिसका कोई वर्णन ही नहीं, इतना प्राचीन काल। दूसरा प्रगतिहासिक काल, प्रगतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है इसमें मानव तो अस्तित्व में थे पर उसका कोई लिखित वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता। तीसरा है वर्ण, बच्चों आपने ग्रामर में पढ़ा होगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या है? इसे का से क्या अपन ने क्या बनाएंगे? फिर वर्ण से क्या बनता बेटा? शब्द, जिसे कमल शब्द बना। शब्द से क्या बनता है? वाक्य, की वाक्य बनता है। जब कमल का फूल बहुत सुंदर है फिर वाक्य से हम पैराग्राफ ऐसे बनाते जाते हैं तो ये धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है। बच्चों पाठ स्टार्ट करने से पहले आप हमें ये जरा बताइए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? अगर आपके घर में नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में होगा। अगर साथ में पेट एनिमल जो पालतू जानवर अपन पालते हैं वह होगा, पालतू जानवर अपने को अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो पालतू जानवर की कोई भाषा होती है, जैसे छोटा बच्चा है उसकी भी कोई भाषा नहीं होती है, तो उनको कोई चीज़ अपने से चाहिए होती है तो वो कैसे मनवाते हैं? कोई एक्शन करके, कोई इशारे करके वह अपने से मांगते। छोटा बच्चा रोने लगता है तो अपन समझ जाते हैं ना कि उसे भूख लगी है। ऐसे ही कोई भी चीज़ हम कैसे मनवा रहता है बच्चे अपने से, इसी प्रकार एक्शन करके ही मनवाते हैं ना। तो बच्चों हमें यहाँ पर बहुत सारी ऐसे मन के भावों तथा विचारों को एक दूसरे को इन्हें पहुँचाने के लिए अक्षरों की बहुत ज़रूरत होती। जरा कल्पना कीजिए कि हम ऐसे स्टेज पर पहुँच गए, यानी बड़े हो गए और हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है, कोई भाषा ही नहीं है, कोई अक्षर ही नहीं है, तो सोच कर ही डर लगता है ना कि हम अपने मम्मी से कोई बात कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे। हमको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है पर आपको आता तो सब कुछ है पर लिखना नहीं आता। ऐसे ही इंग्लिश का है, मैथ्स का है, इस प्रकार क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है, हमको लिखना ही नहीं आता है, अक्षर ही नहीं है हमारे पास। तो बच्चों अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ऐसे ही मान हमारे बने लेखक ने पाठ में बताया कि आदि मानव ने आपकी खोज की। आदि मानव, आदि मानव बेटा क्या है आपको मालूम है? आदि मानव उसको बोला जाता है कि उनको कंदमूल फल खाते थे बहुत पुराने, और पत्थरों में वे घर बनाते थे और उसमें रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और उनके पास मैंने कंदमूल कच्चा चीज सब खाते थे क्योंकि उनको कोई सभ्य नहीं, उनकी सभ्यता नहीं थी, उनको कोई नॉलेज ही नहीं था। फिर उन्होंने क्या करा, आदि मानव ने किसकी खोज की? आग की खोज की। तो उनको लगा, उन्होंने क्या करे, वो पत्थरों को आपस में टकराए, टकराए तो उसे चिंगारी निकली, चिंगारी निकली तो उनको लगा कि आग, आग की खोज की। और धीरे धीरे जैसे कच्ची चीज़ खाते थे तो उनको आग मिली एक तरह से, तो लकड़ियों को उसको जला करके उस चीज़ को भूंज के खाने लगे, तो धीरे धीरे भूंज के खाने उनको वो ज़्यादा टेस्ट आने लगे। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और थोड़ा थोड़ा खेती भी स्टार्ट होने लगे, और फिर अपने लिए पत्थरों से घर बनाए भी। मैंने आपको बताया अक्षरों खोज से पहले लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर अक्षरों की खोज बच्चों ईश्वर ने नहीं की, अक्षरों की खोज मनुष्य ने की। अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए किसकी सहायता लेता था? चित्रों की सहायता। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई लिपि नहीं थी, कोई अक्षर नहीं थे, तो किसकी सहायता लेता था? कोई भी चित्र बना देता था। जैसे उन्होंने गोला बनाया और उसके इधर साइड ऐसी किरणें बना दी तो वो समझ जाते थे ये सूर्य जैसा है,
जैसे जानवर, सूर और इन चित्रों संकेतों के बाद में हमारे पास भाव संकेत आए। पहले चित्र से समझते थे, फिर एक दूसरे की भाव से समझते थे, जैसे हंसना, रोना, इस प्रकार की भाव से समझ जाते थे कि इसे कोई तकलीफ हो रही है, रो रहा है, तो खुशी हो रही है, हंस रहा है, तो इन्हें भाव संकेत आए। अक्षरों की खोज लगभग 6,000 साल पहले हुई। कितने हजार साल पहले हुई? 6,000 साल पहले। जबकि मान के चलो ने अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। नए धीरे धीरे अक्षरों का विकास होता गया, मनुष्य भी धीरे धीरे क्या होता गया, सभ्य होता गया, और वह फिर क्या करने लगा, अपना हिसाब किताब लिख करके रखने लगा। हिसाब किताब यानी मान के चलो कोई भी वर्क करते हैं तो अपन लिखते हैं ना, घर में सूची बनाते हैं, तो ऐसे ही वो हिसाब किताब रख करके लिखने लगा। वो हिसाब किताब और किताबें वही आज हम हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य को अपने किसका पता चला, इतिहास का पता चला। जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना कि मुगलों की हिस्ट्री क्या थी, अंग्रेजों कैसे आए हमारे यहाँ पे, मुगलों ने कितने समय राज किया, ये सब किससे पता चला हमें, इतिहास से पता चला। तो बच्चों अक्षरों की खोज ना होती तो मनुष्य अपने अतीत से वंचित रह जाता। अगर अक्षर हमारे पास नहीं होते तो हमें नहीं मालूम होता कि अंग्रेज कैसे हमारे साथ व्यवहार करते थे, अंग्रेज कितने समय तक हमारे साथ रहे, हम और मुगल हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे, मुगलों ने कितने समय हमारे साथ राज किया। अक्षरों के कारण ही ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जा सका। मतलब वो क्या चीजों ने संभाल के रखी जाने लगी, और वह क्या करा, ज्ञान एक उठा करके हम पढ़ते थे और वह फिर इतने सदियाँ निकल जाती थी तो हमारे पास रहती थी, क्यों, उस बुक से हम ज्ञान हासिल कर लेते थे। अक्षरों के कारण ही आज भी हम प्राचीन पुस्तकों का आनंद ले सकते। आप लाइब्रेरी जाते हो ना, लाइब्रेरी में कई प्रकार की पुस्तकें रहती हैं, पुरानी पुस्तकें भी रहती हैं, आप उनको निकालते हो, पढ़ते हो, बहुत सारे राइटर रहते हैं जो कई साल पहले लिख करके बुके चले गए, पर हमको पढ़ने में वो चीज़ आनंद आती है ना, तो वह सब अक्षरों की खोज के बाद ही संभव हो पाया। हम क्यों कैसे पढ़ पाए, अगर अक्षर होते तो क्या हम पढ़ पाते, नहीं ना, तो वह हम अक्षरों के कारण ही पढ़ पाए। अतः अक्षरों का हमारी उन्नति में विशेष महत्व है, अक्षरों का हमारी उन्नति में विशेष महत्व है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। पहले एक सुई से लेकर के बड़े बड़े जहाज तक मनुष्य ने बना लिए, मतलब तेजी से विकास हुआ। पहले मान के चलो आदि मानव था और आज मानव इतना सभ्य हो गया कि कहां से कहां पे पहुंच गया। यह महत्व अक्षरों और उनसे बनी लिपियों का, अतः अक्षरों की कहानी हमें मालूम होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते वे लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए और ये कैसे बने, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बच्चों इस पाठ के कुछ नए शब्द हैं, जैसे तादाद। तादाद मतलब संख्या, अपन बोलते हैं कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं, कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। फिर मूल, जड़, अनादिकाल, जिसका आरंभ ना हो, जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें दिए हैं, तो आप इन्हें पढ़िए। इस पाठ से मैंने हम ये जान पाए कि नए युग की शुरुआत कैसे हुई, अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए, और एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को किससे मिला, इतिहास जो कि हम बुके पढ़ते ना उससे हमें प्राप्त हुआ। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई, मतलब विकास के पथ पर ले गई। बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा ना।